और यहाँ बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल रेडी है। दीजिए, इतना लेट हो रहा है ना, और इतना सारा काम बचा हुआ है। चपाटी खाना कैसा है? की मस्ती आश, ये देखो ये देखो। गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरा बर्थडे है तो आज मेला अंजू चुका है, हैप्पी वाला बर्थडे। अंजू कितने इयर्स का हो गया? 8 इयर्स का हो गया मेला बापू, है ना। कोई भी ब्लॉग मेरा किचन से ही शुरू होता है क्योंकि अभी एकदम सुबह सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग। आशु अंशु जा रहे हैं स्कूल, आज स्कूल में भी सेलिब्रेशन होगा अंशु के बर्थडे का। बहुत सारे चॉकलेट्स लेके जा रहे हैं, चॉकलेट्स भरने हैं भैया बैग में। तो यहाँ पे चल रहा है आज अंशु के टिफिन की तैयारी। और आज अंशु क्या ले जा रहे हैं लंच में? आज वो ले जाएंगे अप्पम चटनी, और अभी खा के जाएंगे गुड़ पराठा, और फ्रूट में रखा है पियर्स। और आशु वॉशरूम में है तो सब तैयार हो रहे हैं। अभी सुबह के टाइम में बहुत ही हड़बड़ी है, तो ये लोग स्कूल से आएंगे, उसके बाद फिर मिलाती हूँ। और यहाँ बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल रेडी है, और नानी को भी लगा दिया सेवा में। ये मेरी डॉल दीदी, क्या नानी को चलो यहाँ पे मैं लग गई हूँ रिटर्न गिफ्ट की तैयारी करने में। तो ये हमने ऑनलाइन मंगाया था, काफ़ी पहले मंगाया था, बट टाइम नहीं हो रहा था इसको निकाल के सेट करने का। तो इसमें ये 10 बैग्स हैं अलग अलग, पूरा एक साथ आया था, और इसमें 4-5 तरह के छोटे छोटे आइटम्स हैं जो कि इसमें भर के देना है हमें। तो ये मैजिक बॉक्स टाइप का है, इसमें मैजिक पेन है और बैंड वगैरह है और टैटूज वगैरह हैं, बहुत सारे हैं, बच्चों के आइटम हैं, मतलब 6 से 7 साल के ऊपर से बच्चों के लिए ये है। बड़े बच्चों के लिए हम लोग अलग मंगाया, छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट पैक मंगाया। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया था, हम लोग बहुत मस्ती किए थे, बच्चे भी काफ़ी खुश थे। और इस बर्थडे में फर्स्ट टाइम हमको लगता है कि फर्स्ट बर्थडे के बाद ऐसा डेकोरेशन, ऐसा केक आया था आंसू के लिए, थोड़ा स्पेशल वाला, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद सबके साथ बर्थडे मन रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में उतने अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो पाया था 2-3 साल, इसलिए। तो बर्थडे ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आ गई हूँ मैं किचन में, किचन का काम शुरू है, खाना खाने। आज हम स्कूल से आ गए, खाना खा कर उनको सुला दिया है कि थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, तो फिर शाम में वो मस्ती करेंगे। मम्मी सारा काम करती किचन में, सब कुछ बर्तन वर्तन मम्मी धोए खाना खाने के बाद। मैं थोड़ा सा आराम करने के बाद आ गई हूँ पार्टी के खाने की तैयारी करने के लिए। तो आज स्टार्टर में बन रहा है नूडल्स और मंचूरियन, बच्चों के फरमाइश, बच्चों ने जो जो बोला है वही वही हम लोग कर रहे हैं। उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनके हिसाब से ये खाना बन रहा है, ये बनाना ये खिलाना है। और स्माइली रहेगा, स्माइली हम लोग मार्केट से लेके आए हैं मके, उसे बस फ्राई करना है। मेन कोर्स में है बीपीएम बटर पनीर मसाला, आज उनको मोस्ट फेवरेट, छोले, भिंडी फ्राई, दाल फ्राई, चावल, चावल मतलब कुछ पुलाव बना दूँगी या फिर जीरा राइस बनाऊँगी, पूड़ी और रायता, बस इतना ही है ना, और कुछ है? तुम बना रही? मैं बना रही हूँ तो मुझे इतना भी याद है, इतना तो अभी तक याद है, अब इसके पता नहीं और कुछ होगा तो फिर और कुछ बन जाएगा। तो फिलहाल इतना है, 5-6 आइटम है, वो मैं फटाफट बना लेती हूँ, टाइम हो गया 4:30। डेकोरेशन वाला भी आने वाला है तो वो भी करेगा उधर, और इधर मैं भी करूँगी। बच्चों को तो 6 बजे ही उठाऊँगी, उनको सोने दो आराम से, जितने सारे काम फटाफट कर लेती हूँ। अंकल का भी बस होने वाला है, बन गया, भिंडी फ्राई बन गया, पनीर बन गया, छोला बन गया है, और मंचूरियन बस बनाना है, और मकन फ्राई करना है, और पूरी तो बाद में बनेगा बस। हम लोग मिलते हैं अब, तैयार हो गए।
ये है फ्रेंड्स हमारे आशुंशु का ईद बर्थडे का डेकोरेशन। इस बार थोड़ा सा हमने स्पेशल करने की कोशिश की है क्योंकि लास्ट टू ईयर्स अच्छे से बर्थडे उनका नहीं मन पा रहा था, और जैसा कि सबको पता है कि हमारे ट्विंस हैं तो साल में बस एक बार ये मौका मिलता है कि उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें और उसको इंजॉय करें, बच्चे खुश हो पाएँ। और इस बार थोड़े से वो बड़े हो गए हैं तो सब कुछ वो बता पा रहे थे, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अंशु को वो चम्मच चाहिए था और आशु को सिंड्रेला चाहिए था, तो हमने उसका ही कटआउट बनवाया था। और बच्चों ने यहाँ पे स्टार्टर ले लिया है जो हमने रखा था स्टार्टर में, स्माइली और नूडल्स मंचूरियन ये सब खा लिया ताकि थोड़ा सा बच्चों में एनर्जी आ जाए, थोड़ा बहुत डांस मस्ती कर लेंगे। और ये है हमारे ट्विंस का केक। केक बहुत ही सुंदर था, सबको बहुत पसंद आ रहा था। और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जो पिंक वाला केक था ना उसमें अंशु का नाम लिख दिया था और जो ब्लू कलर का था वो आशु का। आशु थोड़ा सा सैड हो गई थी कि मुझे पिंक कलर, उसका पिंक कलर उसकी जान है, तो थोड़ा सा गड़बड़ किया था वहाँ केक वालों ने, लेकिन अब उसको कुछ किया भी नहीं जा सकता था लास्ट मोमेंट पे। और यहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्लीज़। और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जल्दी कर दो यार सब्सक्राइब पूरे। कट जा रहा है, बिट्टू लोग नहीं आई, आंटी ने तो कर भी दिया टीका कर। किसी को भेजा, किसी को भेजा, किसी को भेजा। अच्छा चपाटी खाना कैसा है? तो हाँ तो बहुत टेस्टी है, तो बहुत सारा खाना है। ओके टेस्टी है तो शक्ति को बहुत सारा खाना, कितनी सारी पूड़ियाँ खाएगी शक्ति? अरे वेलकम बेटू, थैंक यू की बात ही नहीं है, सब कोई खा के जाएगा, कितनी अच्छी बात है। अच्छी लग रही है अभी का? हाँ मैं कुछ ला दे रही हूँ उसके लिए। मैं एक चेयर ला देती हूँ की मस्ती आज। ये देखो, ये देखो, मजा आया बर्थडे पार्टी में? निशु को कितना मजा आया? कितना? इतना बताओ, हाथ से बताओ, इतना। और सुहानी को? आरव को तो मिलना चाहिए अंशु, और अंशु को मिलना चाहिए आरव भैया, है ना? अब चल इन लोगों को पकड़ के निकालना पड़ा जबरदस्ती, इतना मस्ती कर रहे हैं पांचों। बाय 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 आंटी को घर घुमाने आ जाने आना।
डांस नहीं दिखाया नानी को, नानी बोल रही है दिखा दो अभी, चलो वीडियो में दिखा दूंगी। हाँ बाय बेटू, हेलो एवरीवन। तो बर्थडे की समाप्ति, पूरे घर में सन्नाटा, दिन भर धूमधाम के बाद अभी बिल्कुल शांति। और मैं अभी भी किचन में हूँ। अभी टाइम कितना हो रहा है मैं बताऊँ, रात के बज रहे हैं, देखो 1:15 होने वाले हैं, 1 बजने वाले हैं 15 मिनट में। और मैंने अभी पूरा किचन की ऐसी हालत हो गई थी ना कि मैं दिखा नहीं सकती थी, इतने सारे बर्तन, जबकि डिस्पोजल यूज हुआ था खाने के लिए, सिर्फ बनाने के लिए यूज हुए ये कपड़े बर्तन हैं जो इतने थे। मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया क्योंकि आशुंशु का कल फिर से स्कूल है, इनका तो छुट्टी है, हस्बैंड का छुट्टी है कल परसों, लेकिन बच्चों का स्कूल है। तो मैं ये पूरे किचन क्लीन कर रही थी, घर भी मैंने क्लीन कर दिया थोड़ी बहुत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने मस्ती की थी तो खूब सारा फैला था। और डेकोरेशन कैसा हुआ है बताना ज़रूर, हम लोगों को बहुत पसंद आया। और सबसे स्पेशल थी ना कि बच्चों की पसंद की इस बार थी सारी चीज़ें, उनने बोला कि हमें ये ओबो जामा चाहिए, सिंड्रेला चाहिए, तो उनके हिसाब से हुआ था। केक हमारे पसंद की थी, केक भी कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं थे, हमारी एक फ्रेंड आई थी, निधि आई थी, आप लोग जानते होंगे। और अभी फ़िलहाल भी लोग तो 11 बजे ही सो गए थे, मैं सारे काम कर रही थी और मैं रिप्लाई कर रही थी एक्चुअली सारे काम ख़त्म करने के बाद, 12 बजे सारे काम ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मैं रिप्लाई कर रही थी क्योंकि इतने सारे विशेज आए थे, इनके इतने सारे विशेज आए थे, फिर वो आज रिप्लाई नहीं करती ना तो वो कल भी मैं नहीं कर पाती क्योंकि फिर पूरे दिन काम काम रहता। अब मम्मी पापा सिर्फ 2 दिन के लिए हैं तो फिर उनको भी कहीं कहीं घुमाना है, एक दो जगह उनको भी कहीं घुमाना है क्योंकि फिर वो चले जाएंगे, तो देखते हैं कि कल का क्या होता है। तो आज यही था आशुंशु का 8th बर्थडे, वो 8 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं आज, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे बहुत ही जल्दी बड़े हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी, मतलब बिल्कुल जो समय है ना वो इतनी स्पीड से भाग रही है, वो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। मतलब दिन और रात ऐसे हो जा रहा है ना हमारा सबका, हम चारों का, बच्चों का भी, मेरा भी, इनका भी, मतलब ऐसा हो गया है ना आजकल का लाइफ, बैठ के अपन आधे घंटे बात करने के लिए भी समय नहीं बचा है क्योंकि बहुत ही फास्ट लाइफ हो गई है, बहुत ही बिजी शेड्यूल, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों का करियर, बच्चों का एम, बच्चों का फोकस, बच्चों का एक्स्ट्रा एक्टिविटी, अपना ऑफिस, अपना काम, अपना सब कुछ। तो काफ़ी बिजी लाइफ में जब ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मतलब इन्जॉय करने का जो थोड़ा सा टाइम मिलता है तो इंसान को ज़रूर इन्जॉय करना चाहिए क्योंकि ये रोज़ रोज़ नहीं आती है, बाकी सारी चीज़ें हैं ना वो रोज़ आती हैं, रोज़ स्कूल, रोज़ ऑफिस, रोज़ काम, बट ये साल में एक दिन आता है, इसको इन्जॉय करना चाहिए। हम लोग करते हैं, किसी का हो जाए नहीं हो, आशुंशु का तो खूब सारा होता है। और हमारे यहाँ तो ये है कि दोनों का बर्थडे एक दिन है भैया, तो थोड़ा अच्छे से मनाना हो जाता। और मैं सोची थी कि सब कुछ दिखाऊंगी बनाने के बाद, मगर इतना लेट हो गया, डेकोरेशन वाले ने भी बहुत लेट कर दिया, उन लोगों ने डेकोरेट करते करते 7:30 लगभग टाइम हो गया था, तो उन लोग के जाने से पहले ही बच्चे आने लग गए थे, तो इस चक्कर में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सीधे उनका जो सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ वहाँ से फिर मैंने शूट किया थोड़ा बहुत। तो आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, आशुंशु कैसे लग रहे थे, आशुंशु ने जो ड्रेस पहना था नाना नानी ने गिफ्ट किया था, यहाँ से ही जाके हम लोग लिए थे और दोनों का सेम कलर हम लोगों ने लिया था, मतलब बाई चांस मिल गया, पसंद आ गया तो ले लिया कि चलो एक जैसा पहन लेंगे दोनों। डेकोरेशन कैसा लगा, केक कैसा लगा, हमारा सेलिब्रेशन कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई और वीडियो।